दुनिया में चारित्र जो शब्द है वो कई तरह से उपयोग में आता है, और वो जो दुनिया में जो शब्द जिस तरह से उपयोग आने लगता है तो सामान्यतया लोग उसी अर्थ में उसका अर्थ समझते हैं। ख्याल में है ना, क्योंकि लोगों को जैसे आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, आपका चारित्र सही होना चाहिए। स्कूल वाले भी चारित्र प्रमाण पत्र देते हैं, तो चारित्र प्रमाण पत्र क्या है कि भाई ये लड़का अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उद्दंड नहीं है, और ऐसे इसको चाहे अब उसको भी चारित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। तुम्हारा चरित्र कैसा है, तो जो लौकिक चरित्र है उसमें तुम्हारे भावों की गिनती नहीं है, उसमें तुम्हारे अभिप्राय की गिनती नहीं है, उसमें बस तुम्हारी क्रिया की गिनती है। तुमने बाहर में तो कुछ करा, ये बताओ तुमने हत्या करने की सोची, इस बात की कोई सजा नहीं है। हत्या कर दी तो सजा है, हल में है ना। तुमने किसी को बोल दिया मैं तुझे जिंदा मार दूंगा, तो तुम्हें गवर्नमेंट उठा के नहीं ले जाएगी, ये भाई मारा थोड़े ही है, बोल दिया तो गुस्से में बोल दिया। लेकिन जैन धर्म वो कहता है कि मारा के नहीं मारा ये हम बाद में ही देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि तुम्हें मारने का भाव आया कि नहीं आया। कि चलो साहब मारने का भाव भी नहीं आया, अब तो ठीक है। बोले मारने का भाव नहीं आया, अंदर मार सकता हूँ ऐसी मान्यता तो नहीं है। बोले साहब मान्यता तो है, तो बोले तो भी मिथ्या दृष्टि, तो भी तुम्हारा चारित्र ठीक नहीं है। ख्याल में है ना, तो दुनिया में जो चारित्र की चर्चा आती है वो क्रिया कांड से आती है। ख्याल में है ना, कि तुमने काम किया है कि नहीं किया, बस इतनी सी बात। तुम्हारे अंदर क्या अभिप्राय है, तुम्हारे अंदर क्या भाव है, इससे कोई चारित्र का दुनिया को लेना देना नहीं है। तो चूंकि सामान्य जन इसे ही चारित्र समझते हैं, तो फिर वो धर्म के क्षेत्र में भी इसे ही चारित्र समझते हैं, वह इतनी सी बात। इसलिए कन्फ्यूजन होता है, इसलिए जो मुनि बन गए, संत साधु बन गए, और मुनि राज के जो 28 मूल गुण हैं, या जो भी जिसके भी जहाँ जिस भूमिका में जो भी विव्रत आदि हैं, वो उनका पालन करते हैं क्रिया रूप में, और वे उससे अपने को चारित्र वाला मानते हैं। ख्याल में ना, क्यों मानते हैं, क्योंकि वो दुनिया से सीखा ना वही कि भाई चारित्र क्या चीज है, क्रिया कांड को चारित्र समझा था, तो यहाँ क्रिया कांड को चारित्र समझते हैं। एक तो इतनी भूल तो यही है कि वो क्रिया कांड तो ना चारित्र है और ना जीव का उससे कोई संबंध है, एक बात तो पहले यही खबर नहीं है। कोई भी जड़ की क्रिया जीव करता है, जीव कर सकता है, ये बात ही झूठी है। वास्तव में जड़ की क्रिया जड़ में होती है, उसका कर्ता पुद्गल है, उसके परिणमन में पुद्गल लगा हुआ है, उस क्रिया के आदि मध्य अंत में पुद्गल है। जीव तो वहां मात्र जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है। सो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व पुद्गल आदि का कर्ता तो होता नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच में चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से ऐसा लगता है कि क्रिया मैंने करी। सो बहुत सारे अज्ञानी जीव तो क्रिया कांड को ही धर्म समझते हैं, क्रिया कांड को चारित्र समझते हैं, और बड़े अंदर ही अंदर अभिमान करते भी हैं कि मेरे जैसी क्रिया कोई नहीं पाल सकता। ख्याल में है ना, तो इसलिए अब वो तो थोड़ा सांसारिक स्थिति में चली गई बात, लेकिन उसमें भी समझ लो 100% में से 98% लोग तो क्रिया कांड के नाम पे चले जाते हैं, जिन्हें ना भावों की कोई खबर है और ना कुछ पता है, बस वो तो क्रिया कांड करते हैं। वो तो कहते हैं अपना, तो 98% 98% लोग उस काम में चले जाते हैं। अब जो 2% बचे उसमें से 2.25% क्रिया और परिणाम पे चले जाते हैं, और परिणाम कि भैया परिणाम अच्छे रखने हैं, नहीं समझ में, परिणाम खराब नहीं करने और क्रिया बराबर पाल लेंगे, वे उसमें चले जाते हैं 2.25%। अब जो 0.25 बचा वो अभी प्राय तक पहुंच पाते हैं,
अभिप्राय माने मेरी अंदर की मान्यता क्या है, मेरी श्रद्धा क्या है। क्योंकि जैन धर्म में ये जो भी टोडरमल जी साहब चायत की चर्चा ले रहे हैं, ये 19 में क्रियाकांड नहीं लिया है, 19 में लिया है भाव। तो उनने क्या लिखा, देखो ध्यान से, कि तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव कहा है, समझ में। और बे उपादे कैसे हैं, तथा आश्रव तो बंद के साधक है, आश्रव से तो बंद होता है, और चारित्र मोक्ष का साधक है, साधक माने साधन। इसलिए महाव्रत आदि आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कसाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है।